under the section three, and the purpose is the same language. Our speakers, structural skills, want to share the moral values directly to yourself. So first of all, I would like to get this session started with the session program. I would like to call upon Mr. Asad to come and start the presentation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Thank you very much. Students, as you know, today we have a valuation session relative to your subject of human being. We have a resplendent and knowledgeable personality with us to share his views with you on the topic of sacred principles. So, I would like to let you know briefly about this great person, Prison Foundation. You might have heard the name, this is a well known name. So, I would like to invite मेरा नाम व्यास खंडानी है। पहला सवाल ये कि उर्दू और अंग्रेजी या सब चाहते थोड़ी उर्दू बोलूंगा थोड़ी अंग्रेजी बोलूंगा और इलाज बता इसके बगैर बिल्कुल नहीं आएगी जी आपको जनाब कैमरा मैन साहब आपके लिए मुमकिन नहीं होगा इसके बगैर या सर मुमकिन तो होगा लेकिन ऑडियो में ठीक होना है जी। तो आज की गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी में करा के गए और उसमें एक खास बात ये है कि आपके लिए भी बहुत लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन मेरे पास तैयार है। आज हम मिला जुला के बात हुई 10 अंग्रेजी के अल्फाज हैं जिनके बारे में बात करें। सो वी विल हैव अ सेशन ऑफ अबाउट एन आवर लिमिट बट द होल कन्वर्सेशन विल बी फोकस्ड ऑन अनपीलिंग द मीनिंग ऑफ 10 और 12 वर्ड्स एंड आई वोंट बी एबल टू अनपील दैट अलोन आपकी मदद के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है शुरुआत करते हैं। ये लफ्ज क्या है सुनाओ भाई सर क्या मानेंगे क्या मानेंगे प्रोडक्शन ऑफ समथिंग ठीक तो ग्रो समथिंग प्रोडक्शन मेरी राइटिंग बहुत सही है ग्रो समथिंग और क्या मानते इंट्रोड्यूस समथिंग हम आजकल किस किस सेंस में यूज करते हैं हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो सारी डेवलपमेंट क्या सर कैन आल्सो मीन टू एक्सपेंड प्रोग्रेस एक्सपेंड गुड गिव मी मोर आपको डिजाइन में इसका क्या पार्ट है प्रोग्रेस एक्सपेंड और कोई मानते जरूरी नहीं और आता मगर अगर आते हैं जरूर बताए कॉन्ट्रीब्यूशन हाँ जी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ये तमाम फैसेट्स हैं जो तमाम वो मुख्तलिफ तनाजुर हैं जिससे आप इस डेवलपमेंट को देख सकते हैं। साइंस में प्रिज्म पढ़ा है
प्रिज्म में रोशनी घूम जाती है और कहीं से कुछ और नजर आती है, कहीं से कुछ और, मुख्तलिफ अंदाज से हम उसको देख सकते। मगर आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम ए डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट व्हिच इज परहैप्स मोर सेंस। कोई पढ़ेगा ये Development means moving away from the principles in order to make applications of them. This will make development become indigenization. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। सबने पढ़ लिया? समझ आया? Let me work slowly with you on this. Development means moving away from principles. ये principles क्या चीज़ होती है? Rules. Principles. Rules हो सकते हैं। रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या है? रूल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? असूल। लॉज। रूल्स को उर्दू में कहते हैं लॉज और प्रिंसिपल्स को उर्दू में क्या कहेंगे? असूल। कानून और असूल में फर्क है ना? कानून और असूल में क्या फर्क है? कानून और असूल में क्या फर्क है सर? कानून तो ये है जो लॉ पास है, मतलब जो गवर्नमेंट एक रूल लगाया, और असूल वो है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है या कोई इंप्लीमेंट करता है कि आपको यही करना है, वो असूल है। पाशी जी कैसे रिलेटेड टू हाउ मच प्राइस है? इंटरेस्टिंग। ओके, कम टू दैट। देखिए, एक सादे डेफिनेशन ये है कि कानून असूलों की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। लॉज आर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। आप ये कहते हैं एक असूल ये है कि इंसान की जिंदगी की बहुत अहमियत है, इंसान की जिंदगी कीमती है, ये उसूल है। इसका कानून क्या हुआ कि जी अगर कोई किसी इंसान को मारेगा तो वो इंडियन फिल्म होता है ना दफा 302 ताजी रात हिंद के तहत आपको जेल भेज दिया जाए, सुना है ना? तो वो कानून है जो कि कानून की दफा के तहत उस उसूल की बुनियाद पर इंसान की जान कीमती है, इसलिए जो इंसान की जान लेगा उसको कानून के तहत जेल भेज दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। उसूल और कानून में फर्क समझ आता है? Principles and law or rules. So development means moving away from principles in order to make applications of them. कि आप principles से हटे ताकि उसको apply कर सकें. Whilst remaining near enough for contact to be fully effective. ताकि उनके साथ जुड़े रहें. If one loses contact with principles, development becomes degeneration. Degeneration क्या? Degeneration. जेनरेशन क्या होती है? डिफरेंट माने ना जनरेशन, नई जनरेशन, मगर जनरेट करना क्या होता है? चीज को पैदा करना, उजागर करना, तो वो होती है जेनरेशन, राइट? सो जेनरेशन ऑफ अ हार्वेस्ट, जब एक किसान जो है वो बीज बोता है तो ही जेनरेट्स अ हार्वेस्ट। अब उसको ऑपोजिट डी जेनरेशन क्या होता है? जो उगी भी चीज है, अच्छी चीज है, उसका खत्म हो जाना, उसका जाया हो जाना, उसका जो रिवर्स साइकिल है ना, एक रिडक्शन, एब्सोल्युटली रिडक्शन, उसके अंदर एक बिगाड़ आना, उसके अंदर एक कमी आना, इस डीजेनरेशन। ये डेफिनेशन सबकी समझ आ गई? अगर यहाँ बुलाऊंगा तो कोई मुझे समझा सके? एक और तरह से समझा, एक वॉलंटियर चाहिए भाई, एक साहब जो यहाँ आ सके, आ जाओ। क्या नाम है? बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई देखें, भाई सर ये मदद करना कि अज्यूम कीजिए, जस्ट अज्यूम अ मी ऑन दिस, कि अज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव हियर और एक्चुअली दिस स्टेट, दीज आर प्रिंसिपल्स, ठीक? वही तरह इसको एक हाथ से काम दीजिए, करो जी उल्टे हाथ से करो इसको, ठीक? सो इफ दीज आर प्रिंसिपल्स, ओएसिस होल्डिंग ऑन टू दैट। Development means moving away from principles so that you can apply them. Here is your area of application. इसको apply करने की कोशिश करें? नहीं, इसको छोड़ना नहीं। इसको छोड़े बगैर कहाँ तक जा सकते हैं? इसको छोड़े बगैर यहाँ तक जा सकते हैं। Development means moving away from principles to make applications of them so that you can apply them. समझ आती? If one loses contact with principles, development becomes डीजेनरेशन। अगर ये प्रिंसिपल्स का साथ छोड़ दिया एक हद तक स्ट्रेच करेगा ना इंसान, मगर जहां पे ये छोड़ के अप्लाई करने गए तो बिकम्स डीजेनरेशन। हमारा काम ये है हम इसको
समझ में। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा 8-10 अल्फाज है, इस लफ्ज का ये मतलब समझ आता है, इसमें कोई लैक ऑफ क्लैरिटी तो नहीं, ठीक? क्या ये डेफिनेशन? अच्छा, कैन वी लिंक दिस जनरेशन एंड डी जनरेशन विद द स्पाइडरमैन मूवी where there are two characters, if somebody has seen the movie, definitely, most of them. एक था जो कि ब्लैक जिसका ड्रेस हो गया था, मुझे नाम नहीं मालूम कौन सा, लेकिन करेक्टर्स रहे थे अपने, तो वन वॉज हैड बेसिकली मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड वॉज अ कर्स फॉर द सोसाइटी। Absolutely correct. In every mythical story, you would have the hero and the anti-hero. एंटी हीरो भी उतना ही पावरफुल होता है। आप लोग बच्चे होंगे जिस जमाने में नाइट राइडर और एयरवुल्फ आते थे, इसीलिए देखिए थोड़ा सा कुछ पता है, नाइट राइडर जो गाड़ी थी उससे पावरफुल गाड़ी एक और होती थी, मगर वो गाड़ी इसी तरह हेलीकॉप्टर होता था एयरवुल्फ का, उतना ही था उसके थोड़ा। तो हर हीरो का एक एंटी हीरो होता है, आप लोग के दौर की फिल्मों में भी होता होगा, मैंने देखे कम देखे इसलिए नहीं पता। सो डेवलपमेंट की जनरेशन समझ आ गई, डेफिनेशन समझ आ गई, डू पीपल अग्री विद इट? Make sense? If this is what development is about, तो सवाल और principles माने उसूल। तो अगला सवाल ये उठता है कि उसूलों के sources कहाँ हैं? कहाँ से आते हैं उसूल? पहले मुझे कुछ उसूलों की examples दीजिए। इसको डॉक्टर ने किन कुछ होगा शुरू? अब अच्छा साहब अगर देखिए इसको डॉक्टर ने किया। हाँ जी, तो कुछ समझ आ गया, ये प्रिंसिपल्स की सोर्स क्या होती है? पहले कुछ प्रिंसिपल्स के एग्जांपल दे दीजिए जो आपके ख्याल में जिंदगी के बुनियादी उसूल हैं। कुछ बताइए एग्जांपल्स प्रिंसिपल्स की। मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक प्रिंसिपल ये है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान की जान है, ये प्रिंसिपल। कुछ और उसूल बताइए जो बुनियादी उसूल जिससे आप जीते। ह्यूमन राइट्स, कोई ह्यूमन राइट की एग्जांपल दीजिए। नॉट टू स्नैच समथिंग फ्रॉम पर्सन, इसका कोई हक नहीं। एक उसूल है किसी का हक ना, ये था ये उसूल। और उसूल आसपास क्या है? ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं बेहतर जिंदगी के लिए, और सच बोले, सच बोलना एक अच्छा सच्चाई। और बड़ोबादा की ये उसूल कानून तो नहीं है ना, अगर अदब नहीं करोगे तो जेल तो नहीं भेज दे जाओगे, मेरे उसूल है कि जी अदब करना चाहिए। तो ये तमाम उसूल हैं, और इस तरह के हम अभी लिस्ट करने जाए तो 12-15 और उसूल कर सकते हैं ना। पर सवाल ये है कि ये उसूल कहाँ से आते हैं, सोर्स क्या है उसूल? Experience. Laws and Constitution. Constitution क्या है? Because principles की बिना पे Constitution ऊपर चला आता है, but laws for the sake of laws Constitution कैसे? आप कुछ कहेंगे? Will power and laws and Constitution. Means of something regards to make some principles. हमारी ज़रूरियात हमारे उसूल को बना देंगे। ठीक। आप कुछ कहेंगे? So man-made religion, society, culture, experience, constitution needs हमारी ये ज़रूरत है। आजकल बड़ी बदलनी है तो हालात ऐसे हैं कि हमारी ये ज़रूरत है कि अगर रात को 1 बजे हम कहीं से वापस आ रहे हैं और लाल बत्ती भी हो तो गाड़ी ना रोकें, क्योंकि कोई हो सकता है आगे हमारा फ़ोन हमसे बहुत दबाना अंदाज से मांग ले, तो इसलिए तिकमत रोड के आगे चले जाना चाहिए। तो आजकल ज़रूरियातें हो गई, इस बिना पे करना चाहिए। मैनमेड हो सकती है, रिलीजन कल्चर, या आपने तमाम चीजें बताई जो बरकरार आता है। आई वांट यू टू पार्क योर थॉट्स ऑन दिस फॉर 1 मिनट जी, ये पॉसिबिलिटीज एंड
इसमें और पिछले में क्या फर्क था? बिकॉज ये मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकती हैं मगर कवानीन बदलते हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं, माशरा बदलता है। इसमें अगर हम देखें माशरा बदलता है यानी कल्चर बदलता है, एक्सपीरियंस बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, आपकी जरूरियात बदल सकती है। क्या चीज है जो नहीं बदल? कहीं पे the experience of your grandmother in 1920 is that different from your experience today? Perhaps is. There is no change because time. I have been compared and obviously the change. But there are few things. There is one thing, and that's the source. That does not change. Principles, school hai, वो आते हैं from the creator. जो बनाने वाला है उसने वो बुनियादी उसूल दिए। मैं कवानीन की बात नहीं कर रहा, कवानीन पे एक वो मुख्तलिफ हो जाता है कि उसूल का ट्रांसलेशन, उसूल का ट्रांसलेशन माने कि फिर किसी फतवे की बिना पे, किसी स्कॉलर की राय के बिना पे आप कहें कि जी ये करना चाहिए और यूं करना चाहिए, वो उन उसूलों का ट्रांसलेशन कानून के बाद। और मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ तो मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानता, ठीक। सो दैट इज समथिंग आई नो नथिंग अबाउट। What I am going to talk about today is not the application of that. So not this, not the window, but the table. Not the application, but the principles. कि वो बुनियादी उसूल क्या है? यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक। तो अगर मैंने कहा कि बुनियादी उसूलों की सोच जो है ये थिएटर है, इससे सब अग्री करते हैं। And I'm very happy to get into a conversation where one could say कि नहीं जी ये गलत है। और हम जो है हम रात को 4 बजे तक बाहर घूम सकते थे, कभी कोई हम अपनी सड़क पे चीज छोड़ के चले जाए तो अगले सुबह वहां से मिल जाए। I'm sure आप भी अपने बहुत से पूछेंगे तो कुछ ऐसा मैसेज सुना है। तो जो मैंने मिसाल दी, is that to do with principle or is that to do with application? आजकल के हालात के ऊपर आपने अप्लाई किया उसको। Man-made applications बिल्कुल होनी चाहिए, इंसान के लिए असर काम ही यही है कि वो उसको अप्लाई करता है। मगर man-made applications बहुत सी होंगी। Any examples of man-made principles? सोचो, कहीं आए? Please interrupt me so that we go back to this question. Very happy to go back. I have to take care of my employees. This is the principle of boss. The principle of yours. Okay. Yeah. So that's an example of a man-made principle. Man-made principle. Okay. You have to take care of your employees because why? For his own well-being, for organizational well-being. For his own well-being and organizational well-being. Who chahte hain wo well-being? Better output. He wants to get 100% output. Because personal gains as well. Who chahte? Maybe his materialistic gains. Maybe he's having some direction from his religion and from ethical values. True. Magar agar aap apne employees ka khayal rakhna chahte hain, to isliye chahte hain ki uska welfare bhi ho aur usse productivity bhi mile. तो जो काम करने के लिए उसको रख रहा है वो काम पूरी तरह से कर सके और उसकी भी फलाह। अब आप उसकी फलाह क्यों चाहते हैं? क्योंकि और बॉस होंगे जो कि कहेंगे कि इससे काम करवाना मेरा मकसद है, इसकी फलाह चाहना मेरा मकसद नहीं। देयर इज समथिंग दैट यू गो बैक ऑन टू से कि मैं इसकी फलाह चाहता हूँ। क्यों?
because he wants to get, somebody said that if you want to buy the back of an employee, it's easier. But if you want to win the heart of employees to get 100% output, then you have to win that, giving them well-being to back up. कुरान में एक आयत है जिसका मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कौन सी जगह है, लेकिन तर्जुमा तो है मुझे ऐसा है कि और हर शख्स से उसके गल्ले का हिसाब लिया जाएगा, उर्दू तर्जुमा जो है इसका। नाउ गल्ला ओवर देयर इज जस्ट अ सिंबॉलिक वर्ड व्हिच मींस एवरी पर्सन हैज रिसोर्सेज एंड वो रिसोर्सेज का हिसाब लिया जाएगा बेसिकली। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो इफ यू आर माई बॉस देन आई एम योर रिसोर्स and you are accountable for this resource as well. Every shepherd is responsible. Yes, exactly. ताकि जो मैं लेना हूँ पैसे उसको मैं हलाल कर सकूँ अपनी पूरी बेहतरी के साथ, जो कुछ कर सकता हूँ सही आप बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। मगर उस फलाह का ख्याल रखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि आगे जाके जब आप तो उसको तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ वन प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन जिसे सोशल इंटरेस्ट क्रिएट एट दिस स्टेज आई लाइक टू टेल यू स्टोरी। आज की पूरी बात में सुनाई का था 8-10 लफ्जों में और ये कम से कम हैंडआउट और हैंडआउट के लिए ये अंदाजे आप स्टूडेंट बेचारे बहुत सारे इनसे पढ़ रहे होते हैं तो कम वापस रखना चाहिए ठीक है। I have a quick look through this and then we'll actually go through this together. दो मिनट इनसे पढ़ लीजिए हम एंड देन हदीस से जिब्राइल एक हदीस है जिसको आज हम इस डिस्कशन के लिए इसमें थोड़ी मदद चाहिए जो जो स्क्रीन पे आ जाएगा कोई मदद कर सके पढ़ने के तो द फर्स्ट पार्ट इफ एनी ऑफ यू खवातीन से गुजारिश है फिर बढ़ कर और आप इसको ये अरेंज कर सके Sitting down before the Prophet, leaning his knees against his and placing his hands on his thighs, he said, "Tell me, Muhammad, about some mission." Bas. Yeah. Fine. All right. He's sitting with God's messenger. Dusra Hazrat ke saath baithe the. And a man with very white clothing and very black hair came up to us. No mark of travel was visible on him and none of us recognized him. So let's go. Sochte. Wahan chale. दूसरा सदन दुनिया में है मदीने में, मदीने में एक जगह बैठे सावा का उनके साथ बैठे हजरत उमर में से एक आदमी आता है जिसके बिल्कुल सफेद कपड़े हैं और बिल्कुल काले बाल हैं। दिस इज मदीना आज से 1450 साल पहले का। उसके पूरे देखने में कहीं भी ट्रैवल का कोई साइन नहीं नजर आता। एक आदमी ट्रैवल करके आता है उस दौर में जब कोई ट्रैवल करके आता था तो वो ट्रेन में तो नहीं आता जहाज में आता वो ऊँट पे बैठ के कई दिनों में सफर करके आदमी ट्रैवल करके पहुँचता है वो कहीं से आदमी ट्रैवल करके आ रहा है। तो अगर कोई अजनबी आदमी छोटी जगह मदीना कोई कराची इतना बड़ा शहर तो नहीं कुछ 100 लोग रहते हैं तो हर कोई हर एक को जानता है। तो जब कोई अजनबी ट्रैवल करके आएगा तो उसमें या तो कुछ उसको नजर आएगा कि पालक मट्टी लगी हुई ऊँट लेकर आ रहा है Sitting down before the Prophet, Zuhra said that when he is still in the mass,
के लिए बैठते हैं, उनके सामने बैठो, लीनिंग हिज नीज अगेंस्ट हिज, अगर मैं और आप नमाज के लिए उस अंदाज से बैठे तो मैं और आप सामने बैठे, इस तरह की मेरे और आपके घुटने टच कर, एंड देन प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन हिज थाइज, जो दो शख्स जो कि बहुत गुर्बत रखते हैं दूसरे से मेल काम कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि पहले तो मत उसके बारे में वो भी है कि वो जलाल था और बाकी सारे साहब बैठे, वो सब वो लोग थे जो कि जिनके लिए ये बात प्रूवन थी कि दूसरा सलाम इज द ग्रेटेस्ट मैन एवर एंड हिस्ट्री प्रूव्स दैट एज़ वेल। सो हियर इन योर मिस्ट इज अ पर्सन जिनकी आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, जिनको आप एक बहुत पोजिशन में रखते हैं, उन शख्स से कोई आदमी मिलने आ गया जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि आगे पहले इस बेतकल्लुफी से घुटने से घुटने मिलाता है और फिर हाथ करके जो कि बहुत बेतकल्लुफी का पोस्चर है आगे बैठता है। आप सोचते हैं कि कौन है जो ये इसकी सबकी हरकत कर रहा है, क्योंकि कोई जाता भी नहीं है, इस तरह से कैसे बैठ सकते, कैन यू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट, सिंपली कौन है, और फिर आगे क्यों बैठ के सवाल ये पूछते हैं कि टेल मी मोहम्मद, नॉट मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ गॉड, फर्स्ट टेल मी मोहम्मद अबाउट सबमिशन, not asking him a question, होता है ना कि कोई आपके कहे कि जी साहब मेरे साथ ये मसला हुआ है मुझे जरा इसके बारे में कुछ बताइए, नहीं, this is मैंने अभी आपको development के माने बताए, जरा मुझे बताएं क्या मीनिंग है उसकी, this is me asking you a question, so if a stranger comes to the greatest man ever who you hold in high esteem, sits in a way which is extremely venerable and then has the audacity to ask a question, अच्छा मुझे बताओ भाई ये क्या है, can understand the sentiment, Zul Salam replied, one of the men help please you sir, whatever he replied, submission means that we should bear witness that there is no God but God, that Muhammad is God messenger, that you should perform the ritual prayer, pay the hands tax, fast during Ramadan and make the in the house if you are able to go there. The man said, you have spoken the truth. We were surprised at his questioning him and then declaring that he had spoken the truth. He said, now tell me about faith. So, tell me about submission ka jawab. Submission means that you should bear that there is witness that there is no God but God, La ilaha illallah, and that Muhammad is God's message, Muhammad Rasulullah. Then you should perform the ritual, right? नमाज पढ़ें, पे द आर्म्स टैक्स, ज़कात दें, फास्ट ड्यूरिंग रमजान रोजा रखें, मेक द पिलग्रिमेज हज करें अगर उसकी इस्लाम, तो जो इस्लाम के पांच अरकान याद हैं, ठीक, तो ये पांच अरकान आ गए यहाँ, इस्लाम लफ्ज के माने होते ही सबमिशन, तो इसलिए जब पूछा कि सबमिशन तो उसके माने इस्लाम, तो इस्लाम यानी सबमिशन के माने ये पांच हैं, बट देन द मैन सेज ही हैज स्पोकन द ट्रुथ, and Hazrat Umar says we were surprised at his questioning him and declaring that he is quoting him. This is an understatement. Go back. A stranger, you don't know, comes around, sits like that in that intimate posture, asks the question, so tell me about this. Hazrat Salman tells, gives the answer and then he says, well done, you've spoken the truth. How dare he? Ye aadmi hai kaun jo is tarah se aake sawal puche. But Sahaba Karam knew that they needed to follow Hazrat Salman's lead. He was behaving in that stature. You don't challenge. You just follow the cue. जब वो आपके leader एक cue लेके चल रहे हैं कि जी हम मैच के ऊपर याद नहीं करूँगा जवाब दूँ तो आप जवाब देते हैं। ठीक है? So ये submission Islam का है। Second question then goes, now tell me about faith. Faith माने ईमान। वहाँ से कोई पढ़े पढ़ाते हैं। Faith means that you have faith in God, His angels, His good, His messengers and the last, and that you have faith in the carrying out both His good and His evil. Remarking that he had spoken the truth, he then said, now tell me about doing what is beautiful. He replied, doing what is beautiful. Thank you.
tell me about faith. He replied, faith means that you have faith in God. Allah Ta'ala mein iman ho, his angels, farishton mein, his books. What is book nahi hai? His books. Ek musalman hone ke nate hame ek Quran shi pata Allah ki aakhri kitab hai, magar faqat usko maanne se hamara iman mukammal nahi hota. Aur kitabein hain, wo maanna hamare iman ke liye zaruri hai. His messengers, him, S. Hazrat Isa alayhi salam, Hazrat Dawood alayhi salam, Hazrat Ibrahim alayhi salam, aur jitne paigambaran guzre hain, sab ke iman ke wo tamam Allah Taala ke paigambaran hain. His books, his messengers, the last day, qiyamah ka din. That you have faith in measuring out both its goods and its evil. Aakhri din, hisab hoga, tamam achhai ka aur tamam burai ka. एक छोटे से छोटा ज़रा भी अच्छा नहीं पड़ेगा छुपाने के लिए ना कुछ सब तो फेथ क्या है ईमान क्या है ईमान अल्लाह ताला की जात पे फरिश्तों पे किताबों पे पैगंबरान पे और कयामत के दिन के हिसाब पे ठीक तो ये हमारे पहले सबमिशन की डेफिनेशन हो गई थी कि जी वो पांच अरकान ईमान की डेफिनेशन हो गई कि पांच चीजों पे ईमान जरूरी है नॉट वन और टू बट ऑल फाइव इन द एंटायर It again says, you've spoken the truth. And then he asks the next question, the last question, and the second last question. In this case, now tell me about doing what is beautiful. Khubsurti kya hai? Khubsurat kaam kya hai? Isko hum keh sakte hain beautiful actions. What are beautiful actions? Doing what is beautiful means beautiful actions. He replied, doing what is beautiful means that you should worship God as if you see Him, for even if you do not see Him, He sees you. तमाम काम इस तरह करें कि अल्लाह ताला को आप देख रहे हैं क्योंकि अगर आप उसको नहीं देख रहे तो वो तो आपको देख रहे सो इट इज विद दैट कॉन्शियसनेस कि चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं इस कॉन्शियसनेस में करें कि आप उसको देख रहे हैं क्योंकि वन सर्टन यू हैव इसके वो आपको देख रहे हैं कुरान शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला नोज दैट इन द डार्केस्ट ऑफ नाइट्स काफी रात है On the blackest of stones, the blackest of ants. So, kala tarin patthar, kali tarin raat, kali tarin chuti. Agar apna pair hilayegi, he knows of that moment. So, Allah ke taala ke zaat se koi cheez chuti nahi. Right? So, that's about beautiful actions. Submission, Islam, Ashraf Khan, Iman, jo chaar paanch cheeze hain yahan pe zikr hui. And beautiful actions, wo kaam, har kaam is tarah, ki Allah taala ko dekh rahe ho, kyunki wo to aapko dekh rahe ho. इससे आगे वाली बात आई विल क्विकली रन थ्रू बिकॉज ये एक बहुत लंबी बात है आज हम दादाजी के नहीं जाएंगे द मैन सेड टेल मी अबाउट आर द प्रोफेट रिप्लाइड अबाउट दैट ही हु इज क्वेश्चन नोज नो मोर देन द क्वेश्चन है कयामत के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं उसके बारे में इतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं कुछ के बारे में नाउ इट कुड मीन कि मैं भी कुछ नहीं जानता और आप भी कुछ और इट कुड मीन कि मैं भी काफी कुछ जानता हूं और आप भी काफी कुछ जानते हैं मगर वो बताना मुनासिब नहीं तो दिस इज नॉट समथिंग दैट ही वांट्स टू रिवील राइट नाउ अबाउट द लास्ट स्टार सो ही सेज द मैन सेज देन टेल मी अबाउट हिज मार्क्स ठीक है मुझे कयामत के दिन के बारे में कुछ निशानियों के बारे में बताओ कुछ निशानियां क्या हैं द स्लेव गर्ल विल गिव बर्थ टू हर मिस्ट्रेस एक औरत अपनी मालकिन को जन्म देगी you will see the barefoot, the naked, and the destitute, and the shepherds vying with each other in building. वो जिनके पैर नंगे हैं, जिनके जिस्म नंगे हैं, जो destitute हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो चरवाहे हैं, वो ऊंची-ऊंची बिल्डिंग बनाने में एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। Need for you to reflect on this, so I won't go into that. ये सवाल पूछने के बाद हम पहले तीन सवाल की डिटेल में जाएंगे पूछने के बाद द मैन वेंट अवे After I have waited for a long time, this is our scene. After I have waited for a long time, the Prophet said to me, because again, adab kya hai? To unke jaane ke baad bhi, you will follow your leader's cue. You will remain silent in your position until he speaks. Until he says, wo chale gaye wo sahab, aap khamosh rahe. Kuch der baad, Huzur Sallam ne kaha, do you know who the question was on? Bola, aapko pata hai ki kaun tha? Unka jawab, God has the messenger knows. बता रहा और उसके पैगाम पर जितने जानते मैं नहीं जानता एंड
he replied, he was Jibrail. He came to teach you your religion. Hazrat Jibrail alayhi salam ke log insaan ke roop mein aaye. And the last bit is again, he came to teach you your religion. मोटी मोटी रिपोर्टें पढ़ते हैं, बनाते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, सुना है एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? एक बिट. So this is the reason why I use this particular hadith is simply because it has been taught to us that this is the hadith which puts your religion, everything to do with your religion, in that one action, in that one action. तो अगर हम principles का जिक्र कर रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं कि principles में the one thing that is unmoving is the creator, and the creator means religion. Or if this is the religion, then us religion ke principles kya hai? Wo principles ye kya tak hai? Koi confusion? Ye handouts aapke liye, to isko saath saath shuru mein jaake dekhiye. Ab hum aate hain isko thoda sa feel karne ke liye, matlab kya hai? Dekhiye, Islam ke maane, aap log ne pehle hi padha hoga, Islam ke maane hi sufficient. Submission kya hoti? Submission to the Lord. Submission to the Lord. Ek lafz na hai. Surrender. So you submit to somebody's will. Main aapko apne rehme parham ke upar chhodta hoon ki jo chahe kare. Ye kabhi kaha hai kisi? Bahut mushkil kaam hai. Kisi ko kehna ki ji main tumhe dekh ke apne aap ko aapke rehme parham ke chhodta hoon jo chahe kare. Totally submit yourself. That's what religion demands. If there is total submission. And how do you submit? You follow this. You follow these five basics of religion. Namaz, zakat, roza, hajj. Allah Taala ne aapko submission ki tareeqe jo hain, wo clearly bata diye hain ki ji ye paas tareeqe hain jo ke diye gaye hain aur jinko follow karna hai. That's how you submit. So in the staircase, ये पहली सीढ़ी है. इसको हम अगर आप समझे, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कोई या बुक फेयर लगा हो या कोई फेयर लगा हो, उसमें अक्सर आपको नजर आता है एक्सपो के फॉर एग्जाम्पल रहते हैं तो एक एंट्री टिकट होता है, शुरू में आप जाते हैं तो 50 रुपए का एंट्री टिकट लेते हैं, फिर अंदर जाके अलग जो खेलना कूदना है खर्चे करते हैं वो सब अपनी जगह, मगर चाहे वो का एंट्री टिकट होता है. ठीक, this is your educated essential. इसके बगैर conversation नहीं. So अगर यकीन है, belief है, तो उस belief के लिए ये basics के साथ apply करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया है, must submit to that. इसके लिए जो अंदर हमारे अना होते हैं ना, वो बड़ी हट्टी कट्टी होती काफी होती है. कहते जी मैं तो सबसे बड़ा तरह खान, मैं भी पढ़ू, मुझे तो नहीं समझ आती. और मुझे तो नहीं समझ आती, और क्योंकि ये जो मौलाना टाइप लोग होते हैं उनकी बात में तो कोई दर्द नहीं होता, तो जिनकी बात में कोई लॉजिक होती नहीं, मुझे वो लॉजिक नहीं समझ आता. मुझे कुछ समझाया जरा नमाज की लॉजिक क्या है, रोजे की लॉजिक क्या है, थोड़ा सही ना आती तो कुछ समझाए लॉजिक, मेरी लॉजिक समझाने में कोई नहीं. ठीक, तो वो आपका जो नस है ना बड़ा मोटा खराब होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता. बट एक मिनट के लिए हम नस की बात को भी जरा समझ लेते हैं. सो ये हो गया हमारी पहली सीट, मगर आपका मजहब पहली सीढ़ी पर खत्म नहीं होता, पहली सीढ़ी से तो शुरू होता है. एंट्री टिकट पे तो आप जाके सिर्फ वो टिकट लेके तो वापस नहीं आ जाते, आप दरवाजे में दाखिल होते हैं. तो दरवाजे में दाखिल होने के बाद क्या है? ईमान, फेथ इन गॉड. फेथ इन गॉड क्या होता है? अल्लाह ताला की जात पे यकीन क्या होता है? अल्लाह ताला की जात है बिल्कुल. अब अगर है तो what impact does it have on our lives? True faith will demonstrate itself in everything you do. So उसकी demonstration, ईमान की मजबूती जिसको कहते हैं, वो ईमान की मजबूती वक्त नमाज पढ़ने से मजबूती होती है, मगर वो आगे जाके कितने demonstrate करेगी? आपके actions में, आपके कहाँ, आपकी जिंदगी में आपके कहाँ demonstrate होगी? So faith in God starts from that. When his angels, फिर मैंने कहा तमाम फरिश्तों में, तमाम किताबों में, तमाम किताबों में और तमाम पैगंबरान का जिक्र आता है, तो यू कैन नॉट डिसमिस जी तमाम ईसाई और तमाम यहूदी मुसलमानों के दुश्मन, क्योंकि वो ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई, वो यहूदियत
حضرت یعقوب علیہ السلام سے جڑی تھی اور یہ تمام مذاہب تینوں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے تھے. خانہ کعبہ تو انہوں نے بنایا تھا نا, پتہ ہے نا. پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام, پھر ان کے بچوں میں سے ہوتے 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 حضرت اسماعیل علیہ السلام والے برانچ سے جو حضور صاحب دوسرے تھے اور باقی برانچ سے تو ان کا بننا تھا. تو ایمان ان سب پہ, بلائنڈ ایمان نہیں. ہمارا کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ کچھ آ گئی ہے, اس گڑبڑ کو الگ سمجھ کے, مگر ایک گڑبڑ کی وجہ سے آپ پوری چیز کو نہیں کہہ دیتے کہ یار اس کے اندر یہ چیز کرا کے تو پوری تھریڈ کو اٹھا کے باہر دیتے. انڈرسٹینڈ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, بٹ یہ آپ کا فیتھ ان تمام چیزوں میں ہونا ضروری ہے. اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ جو تیسری سیڑھی ہے, وچ از ایمان کیا ہے. اٹ از ان ایوری ایکشن, یور بیوٹیفل ایکشنز آر دوز ویئر you act as if you see God, because if you do not see him you know that he sees you. hum ab bhi yahan baithe hain, aap log ke deen ke tarah kaun hai, yahan se shukr ke deen kaun hai, jo bhi gaye happy birthday gaate hain agar unke saath wo baithe hote to ye happy birthday bolta hai. agar wo yahan baithe تو آپ لوگ کی کمرے تھوڑی اور بیک اسٹف ہوتی, تھوڑا سا تھوڑی ہوگا. آپ کے فاؤنڈرز میں سے احسان سلیم صاحب جو کہ آپ کے ادارے کے ڈائریکٹر جو آپ کی ٹیم رپورٹ کرتے ہیں, اگر وہ یہاں پیچھے والی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو کیا ہوتا. اگر میری جگہ عمران خان بات کر رہے تھے تو کیا ہوتا, تھوڑا تھوڑا اندازہ کیا ہوتا, جس سے بہت بہتر ہوتا. بٹ امیجن اگر یہاں پہ اوباما آ کے بیٹھ جائے تو کیا ہوگی. اور آج صبح کی تیاری, آپ کی آج آنے کا انداز, آج کا بلبلا, جس یکسوئی سے آپ کو بات سن رہے ہوں وہ سب بدل جائے گا نا, بدل جائے گا. نہیں کیا آپ کہیں گے نہیں ابھی تو نہیں بدلے گا, وہ جو بھی ہوگا تو اپنے وائٹ ہاؤس میں ہوگا, میرے لیے تو کرنا پڑا. تو یہ نہیں کہے گا بدلے گا نہیں بدلے گا. Now imagine the creator of everything. If you consider in everything that he is before you, and if you can have that consciousness ki wo aapke samne hai aur aap usko na sirf wo aapko dekh raha hai magar aap usko dekh rahe hain, kya how would that affect every moment of your life if you can understand it? Or if you can have that what you call God consciousness, ke Allah taala ki consciousness ke mein jo kar raha hu uske mere samne, to main پھر آپ اس لیے نہیں کریں گے فلاں کا کام کہ آپ کا امپلائی آپ کو چھوڑ کے نہ دیں, یا یہ کہ یار اس کو میں تھوڑی مدد کر دوں کہ ہو سکتا ہے میری رپورٹ میں میری مدد کروا دیں, اور اس لیے کہ یہ صحیح ہے کہ دنیا کے دوستوں سے جڑا ہوا ہے, یہ صحیح چیز ہے. تو میں نے کہا تھنک اباؤٹ فار اے منٹ ہاؤ اٹ ول افیکٹ یور ایکشنز. ٹھیک ہے, تو یہ چیز گاڈ کانشیسنس کے اس کو بیوٹیفل ایکشنز بھی کہہ سکتے ہیں گاڈ کانشیسنس. تو اب تک ہم نے بات کی ہے تھوڑا سا سیرا شروع سے جوڑنا شروع کروں, ڈیولپمنٹ کیا ہے, پرنسپلز, اپلیکیشن, پرنسپلز کیا ہیں, مینڈیٹ, بٹ پرہیپس سنگل ریلیجن از دا کریٹر, کریٹر نے پرنسپلز ون اے فور ایکچولی تھری فور تھرٹین ڈاؤن کے اندر سنرائز ہوئے تھے, وہ پرنسپلز یہ تین موجود ہیں ہمارے ساتھ, اسلام, سبمیشن, ایمان, فیتھ, احسان, بیوٹیفل ایکشنز یا گاڈ کانشیسنس. سو آر ریلیجن اینڈ دی پرنسپلز ایمرجنگ فرام دیم آر دیز تھنگز. ٹھیک, اب اگر یہ پرنسپلز ہیں اور یہ زندگی ہے تو انسان کا کام اسٹریچ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ سکڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی میں تو اپنے چھوٹے سے گزرے میں رہوں گا. آپ نے کہیں سنا ہے انسان کے اندر بھی کوئی سنیاس لے کے جا کے جنگل میں چار زندگی کے چار سال گزار ڈسکریج کیا جاتا ہے, بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ سنانے اسپیسیفکلی ڈسکریج کیا جاتا ہے بیکاز بار بار آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ بی ان دس ورلڈ بٹ ناٹ آف دس ورلڈ. یہ پریپوزیشنز کا فرق پتہ ہے, اس دنیا میں رہو مگر اس دنیا کے ہوتے نہیں ہو, یہ بھی نہیں کہا دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ. اسٹریچ کر سکتے, اسٹریچ کرو اور اپلائی کرو, کاروبار بھی کرو,
शादी करो, बच्चे हो, बच्चों को आगे लेके पढ़ो, खानदान के साथ आगे बढ़ो, तरक्की करो, सब कुछ करो, मगर इसको ध्यान रखो एंड देन सी हाउ फार यू कैन गो. सो दीज आर देन द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. अगर टेबल चाहिए तो टेबल ये तीन चीजें. यहां तक बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? एक दो बातें मैं और लेकर चलूंगा. तो हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम प्रिंसिपल्स कर चुके हैं, हम इस्लाम, ईमान और एहसान कर चुके हैं. पांच अल्फाज चार पांच अल्फाज और आए थे, वो दस बारह अल्फाज से ऊपर दिए जाओ. अब एक सवाल ये आता है कि भाई ठीक ये तमाम बातें तो ठीक, मगर अगर मैं आपकी जगह वहाँ बैठा होता और आप लोग 22 साल 20 साल क्या होते हैं 18 साल बिल्कुल बच्चे होते हैं, तो and that I mean in a good way, पर माशाल्लाह मैं बहुत यंग हूँ. तो 18-19 साल अगर मैं 18-19 साल का होता वहाँ बैठा होता तो कहते हैं यार ये बातें तो सब ठीक हैं, मगर जरा मेरे साथ बाहर चले मोटर बाइक पे, जरा दुनिया देखे और मेरे मुझे बताएं कि इस बातों की क्या तकलीफ है, इसमें है क्या सच, करेक्ट? दुनिया काफ़ी मुख्तलिफ है ना. तो अब अगर आपने लॉजिक स्पीकिंग प्रिंसिपल्स को समझ लिया, उसकी एप्लीकेशन के लिए दुनिया को कैसे समझना है? जिस चीज को अप्लाई कर रहे हैं उसको बेहतर एप्लीकेशन के लिए, जिस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं उसको भी तो समझना जरूरी. तो ये अगला सवाल मुनासिब है कि भाई जिस चीज को करना है वो तो समझते हैं, जिस चीज पे करना है वो क्या चिड़िया है, उस चिड़िया के बारे में कुछ बताएं कि आज की दुनिया है क्या. सही सवाल है, उसके बारे में कुछ सोच. ये क्या सेटअप और सेटअप कंडीशन क्या है? सहरा के बीच में पहाड़ है, सहरा है और सहरा के बीच में पहाड़ है. ये क्यों है? ये इसलिए है कि भाई देखें दुनिया में पिछले कई सौ सालों में हम आपसे बहुत ज्यादा जहीन लोग पैदा भी हो चुके हैं, इंतकाल भी कर चुके हैं. सही है, हम आपको खास गर्म पानी नहीं रखते, इस बात को बिलीव कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको क्रिकेट खेलता फास्ट बॉलिंग कराते, ठीक, क्या आपसे पहले बहुत अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर गुजरे, टेनिस लीवी, माइकल होल्डिंग, इमरान खान गुजरे हैं ना, इस बैटमैन से मेजर कोई बैट्समैन आए नहीं आए. सो जब खुद उमूर के अंदर हो सकता है तो बाकी और चीजों में भी दुनिया में हमसे पहले बहुत जहीन लोग गुजरे. तो जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से एक विश्वास आपको देता हूँ, कोई बात रेशनल नहीं है. ये तमाम बातें मुख्तलिफ किताबों से पढ़ के मुख्तलिफ लोगों से सीख के बता रहा हूँ, रेशनल कुछ भी नहीं है, बस रेशनल की जरूरत नहीं है, गुजरे बड़े बड़े ताकत लोग मैं कह रहा हूँ. ठीक है, सो अब जो मैं बात आपसे जिक्र करनी चाह रहा हूँ आज की दुनिया के बारे में, उसके जिक्र का ताल्लुक इस बात से, आज की दुनिया क्या है. ये एक साहब है वो कहते हैं कि भाई आज की दुनिया का कुछ ये सिलसिला है कि ये एक पहाड़ है बीच में, ठीक, और इमेजिन करें इस पहाड़ के गेट पे एक गाय है. सही, अब आप ये सोचिए कि ये पहाड़ जो है ये अल्लाह ताला की जात है. क्या होगा ये पहाड़ आप समझे अल्लाह ताला की जात, एंड जितने मजहब है वो सब कहीं ना कहीं पॉइंट. अब अगर एक तस्वीर मुझे छोटे से पहाड़ की मिली, मगर इमेजिन एक बहुत बड़ा पहाड़, और उस पहाड़ की खास बात यह है कि उसमें सारे मौसम सारे टेक्सचर मौजूद है. तो एक तरफ से उस पहाड़ पर बर्फ गिर रही है, दूसरी तरफ से उस पहाड़ के ऊपर दरख्त उगे हैं, तीसरी तरफ से वो पहाड़ बिल्कुल एक सॉलिड चट्टान के तौर पर नजर आ रही है, चौथी तरफ से उस पहाड़ पर फूल हैं, पांचवी तरफ से उस पहाड़ पे मट्टी है और एक सहरा सी कुछ कैफियत नजर आती है. मुमकिन है, कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ ह्यूज माउंटेन जिसको आसपास से हर एंगल से एक मुख्तलिफ चीज नजर आती है, मुमकिन है? दिमाग में तो बन रहे हैं. तो अल्लाह ताला की जात वो पहाड़ है, एंड क्रिश्चियनिटी इस्लाम जुडाइज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म वगैरह वगैरह तमाम जो रिलीजन है ये एक पॉइंट है. और ये रिलीजन करते ये हैं कि यहाँ से इन रिलीजन की मदद से
लोग को पहाड़ को देख सके उसके लिए एक वांटेज पॉइंट है जो यहाँ से देखा जा सके। और बहस क्यों होती है? बहस इसलिए होती है कि जो पहाड़ यहाँ से देख रहा है वो कहता है कि जी ये तो बहुत बर्फीला पहाड़ है, यहाँ वाला कहता है नहीं भाई इस पर बर्फ नहीं है इस पर तो दरख्त है, और यहाँ वाला कहता है नहीं जी ये तो सॉलिड चट्टान है बर्फ दरख्त का कोई जिक्र नहीं तो बिल्कुल सॉलिड ये चट्टान। सो बताए में डिसएग्रीमेंट्स हैं बिल्कुल है ना, और इस वजह से है क्योंकि तमाम लोग एक मुख्तलिफ एंगल देख रहे हैं, क्या उससे पहाड़ बदल जाता है क्या पहाड़ मल्टीपल गॉड्स डू दे हिंदुइज्म बिलीव्स इन वर्शिपिंग स्टैचूज बिल्कुल। एक मिनट के लिए आपको क्वेश्चन होल्ड करके वापस एक मिनट के अंदर बिल्कुल वापस आना तो ये बात समझ आती है कि तमाम एक मुख्तलिफ पहाड़ का एंगल देख रहे हैं तो हर एक को एक मुख्तलिफ एंगल नजर आ रहा है, कहते भाई यही सच है मगर क्या पहाड़ के तमाम एंगल उसकी वजह से गायब हो जाते हैं? पहाड़ तो वही रहता है ना। हिंदुइज्म पर आपने मिसाल दी कि जी उसके अंदर आपको नजर ही आता है सही नजर आता है मुख्तलिफ वो तो आपको पूछते हैं, मगर इन तमाम मजाहब का एक जो दूसरा काम है एक तो यहाँ से व्यू देना है बट व्यू देने के बाद एक ब्रिज देना ताकि इस ब्रिज के जरिए जो लोग यहाँ किनारे में बैठे हैं वो आगे जा सकें, जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे तो वो फील्ड ऑफ विजन आपकी वाइड होती जाती है, एक तो आपकी फील्ड ऑफ विजन वाइड होगी आपको ज्यादा नजर आएगा ज्यादा फोकी से ज्यादा बेहतरी से नजर आएगा। दूसरा क्या होगा जब आप यहां हैं या यहां हैं तो यहां से यहां के ज्योमेट्रिक फासला कितना है, अगर आप यहां हैं तो ज्योमेट्रिक फासला कितना है कम है, ये बात समझ आती है। नाउ हर रिलीजन का एक एक्सटीरियर एलिमेंट है इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोटेरिक, इसको भी जाकर हिस्ट्री में देखिएगा एक लफ्ज है एक्सोटेरिक एक लफ्ज है इसोटेरिक E-X-O-T-E-R-I-C and E-S-O-T-E-R-I-C exoteric बाहर वाला portion esoteric अंदर वाला outward and the inward, तो outwardly आपको वो नजर आता है मगर जब आप हिंदुइज्म को पढ़ें तो ब्रह्मा एक ही one god is there, जब वो पुल से लोग जाते हैं तो वक्त के साथ साथ पुल में जंग भी आ जाए पुल में खड्डे भी आ जाते हैं कभी कोई गए नॉर्थन एरिया से आप लोग ना लकड़ी के जो पुल बने होते हैं कभी बड़ा संभाल के चलना पड़ता है लकड़ी का एक प्लाइंट निकला हुआ है निकल में गए नीचे बड़े ध्यान से जाना पड़ता है, तो जब भी पुल है तो पुल के अंदर अल्लाह ने बताया कि खराबी आएगी वो भी अल्लाह ने आपको बता दी थी खराबी लेकिन सब लोगों में पहले में ही खराबी आई हमारा मुसलमानों के तौर पर मानिए कि हमारे पुल में खराबी इन प्रिंसिपल कभी भी नहीं आएगी क्योंकि कुरान शरीफ हैज नॉट चेंज विल नॉट चेंज मजबूत है क्योंकि अगर आप उसको थामे रखेंगे और उसको समझ पाएंगे तो इधर उधर जाने का डर नहीं है, बट सब ब्रिजेस में कहीं ना कहीं कुछ डेविएशन कुछ खराबी आ सकती है, ये बात समझ में आती है। सो एनी हैव अ क्वेश्चन इफ यू वांट आई कैन ईमेल यू इफ यू कम टू द टू हैव अ रीड ओवर इवेंचुअली ब्रॉट होता है कि जब लोग करीब आते जाते हैं तो एक दूसरे से फासला कम होता है जहाँ करीब आने की वजह से ये पहाड़ी हिसाब समझना ज्यादा बेहतर हो जाता है वहां पर ये भी होता है कि ये डिफरेंसेस आप करीब आते कहते हैं यार इनमें और हमें तो फर्क है नहीं ये भी तो उसी पहाड़ पे जा रहे हैं जिसपे हम जा रहे हैं, तो जो फर्क आपको यहाँ पे बहुत एग्जैजरेटेड नजर आता है वो फर्क यहाँ आके बहुत कम हो जाता है, और जो कुछ लोग यहाँ तक पहुंच गए वो तो पहाड़ पे पहुंच गए आपको समझ गए जान और वो पहुंच गए तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पहाड़ तो भाई ये बात समझ आते। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस डिफरेंसेस यस दोस आर ऑल पॉइंट्स बट डू दे ऑल गो टुवर्ड्स द सेम गॉड एब्सोल्युटली बिकॉज हमारे पॉइंट से क्या वांटेज पॉइंट ला इलाहा इल्लल्लाह।
इसमें कोई कंफ्यूजन है ना, यहाँ पर है ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, कितनी चीज़ें तो खुली नहीं बिकॉज हमें पता है तीनों किताबों का, अगर इसमें गो इनटू द डेप्थ तो बाकी हमें मिली यहाँ पे बात समझ आती। बट हमारा सवाल हमारा सवाल ये था कि वॉट इज नेचर ऑफ द वर्ल्ड टूडे, द नेचर ऑफ द वर्ल्ड टूडे इज दिस, ये तमाम पॉइंट के लोगों ने अगर पहाड़ को देखना है तो इनका मुंह किस तरफ होगा, पहाड़ को देखना है तो मुंह तो पहाड़ की तरफ होना चाहिए ना भाई, तभी नजर आएगा। और पिछले 200 साल में इंसान के साथ कुछ यूं हुआ है, उसकी पीठ पहाड़ की तरफ है और जो पहाड़ है उसके आपके पास सहरा है, तो जब हम पहाड़ को नहीं देखते तो जो चीज तो है जो आप पलट के देखते हैं तो आपको सहरा दिखाई देता है और आपकी पीठ पहाड़ की तरफ है। और ये हुआ है पिछले 200-250 साल, तो जहाँ 200-250 साल पहले लोग कहते थे हमारे मजाहब में बहुत फर्क है और उसके लिए जंगें भी हुई और वारत भी हुआ, सब कुछ हुआ बिल्कुल हुआ, मगर उसके दौरान वो लोग भी थे जिन्होंने इन पुलों पर ट्रैवल किया और वो एक दूसरे को पुल से जाना, आपने शाह आपने जमीन चटाई का नाम सुना होगा, सचिन सरबस का नाम सुना होगा, आपको शाह जिला ने शेखों का दिया इस बात लोग थे ना मजार हजार थे सुने थे नाम इनको सूफी से कैसे सबके लोग भी थे और भी बहुत लोग इस तरह के गुजरे, तो कई लोगों ने उन्होंने इस पर सफर किया और उन्होंने इसको देख ही पाया, मगर बहुत से लोग यहाँ पे रहे और सब पहाड़ को देखते थे उसको देखिए ये सही नहीं ये दिशा गलत है। पिछले 2-2.5 साल में ये हुआ कि इंसानों ने कहा कि भाई ये तमाम जो कच्चो भारत होता है दुनिया में मजहब की वजह से होता है, इसलिए मजहब का कुछ इसलिए इसको भूल जाओ एंड लेट्स टर्न द बैक टू अस, लेट्स लुक टू द गॉड, अल्लाह ताला की जात से दुनिया को देखते देखो दुनिया में कितना कुछ है, तो you're pointing now looking towards the desert with your back on the mountain and you say pahad kaun sa pahad mujhe to koi dikhai nahi khuda ke sath kaun si jaat mujhe to koi dikhai nahi stem cell research humko batati hai ki wo embryo kaise grow karta hai, astronomy humko batati hai ki sitare kaise chalte hain, big bang humko samjhati hai ki universe kaha kaise kis tarah gases ka reaction hua aur ek dhamaka hua wo puri cheez ban gayi, which is like saying कि आप इंडस मोटर्स के प्लांट में जाएं और वहां जाके एक कमरा रखें उसमें तमाम गाड़ी के पार्ट्स को रख दें उसके अंदर दरवाजा बंद करके एक बम काट दीजिए और दरवाजा खोलिए तो अंदर से GLI निकलेगी। So that's one way of looking at it. So ये एक तरीके बात करा है, ये देखिए इंसान तो बंदर से बना, तो पहले बंदर था बंदर से बनते 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 काम अच्छा बना और इंसान सही वाला बना। So this is your point in towards the desert and with your back on what you call it. Okay? So this is the nature of our world today. But जो pointed वहाँ पर है एक छोटी सी मिसाल अगर evolution की है, evolution सबको पता है जो डार्विन भाई साहब कहते रहते हैं कि जी वो इंसान तो पहले बंदर था और मेरा आपका जो बंदर का आप वो यूं करते हो बंदर का पैर जो है जिस तरह हमारा हाथ है उस तरह चल रहा है, मैं हाथ को यूं कर सकते पहले इंसान का पैर इस तरह था फिर कई सौ सालों में इवॉल्व होते 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 सीधा हो गया। There is a whole body around that. So the origin of species is as a bandar se bana, ya Hazrat Adam ko Allah ne banaya aur wahan se hum sab pahunche. In dono ke darmiyan kahi koi room hai kya jo thoda sa bandar bhi tha aur thoda sa banaya bhi tha ki mumkin. Sochna kabhi ki isme binary choice hai, iske andar black and white hai, beech mein shade of grey aksar kehte hain jisme jaate shade of grey, isme shade of grey wale hum nahi. So either you believe banaya gaya ya bandar se aaya. Correct. तो आज का इंसान जो है वो लुकिंग इन दिस पे बैक टू द माउंटेन ये बाकी के बाइनरी चॉइस है सर, वो ये कि चलो जरन सब बंदर से आए थे हम सब जय हो वाले इसके भी एक अलग जवाब है उसका अंदर कभी चले। तो अगर हम इन प्रिंसिपल्स की बिना पे यकीन करते हैं कि हजरत आदम से बनाया गया और हम अशरफुल मखलूकात हैं और क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम अपनी
खसूसियात हमने डाली है तो वो सब हमारे अंदर हैं, फरिश्तों में भी नहीं है, जिन्नात में भी नहीं है, जानवरों में भी नहीं है, किसी के अंदर कहार जब्बार कुद्दूस रहमान रहीम किसी के अंदर नहीं है, हमारे अंदर वो तमाम की तमाम क्वालिटी मौजूद है। इसीलिए हमें शुक्र मुखुदा करना है, हम तमाम क्वालिटी का तालुक दिमाग से भी है, मौसम का दिल से भी है। ठीक, तो अगर हमें ये सब क्वालिटीज दी गई हैं और आज के दौर में हर कोई यूँ देख रहा है तो इट इज एज इफ कि जी 200 साल पहले लोग कश्ती में एक तरफ को जाते पहाड़ की तरफ जाते और वो दरिया का पूरा फ्लो जो है वो उनके अगेंस्ट था और वो कहते थे यार दरिया का फ्लो तो अगेंस्ट होगा, हम चप्पू भी चलाएंगे हाथ पैर के मारेंगे ताकि उसकी तरफ जा सकें, मगर अगर उसकी तरफ मूव नहीं कर सके तो कम अज कम पीछे जाने का अमल स्लो हो जाएगा। और बहुत तेज से जाएंगे तो आप कहेंगे वाह हम तो बड़े तेज से जा रहे हैं, पीछे कुछ नजर नहीं आता तो आपको यह अंदाजा नहीं कि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आप पीछे बहुत तेज से जाएंगे तो आप कहेंगे यस तो बहुत तेज से जा रहे हैं। एंड दिस इज प्रोग्रेस। पहले हमारे पास 286 होता था, हमारे पास क्या हो गया ये कोई पता नहीं, 5360 वॉट हो गया। ठीक, पहले टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये था, आज ये हो गया, पहले लोगों की उम्र इतनी कम थी आज इतनी बढ़ गई, तमाम चीजें प्रोग्रेस है अगर आपकी डायरेक्शन होती है। अगर तो हमारे डायरेक्शन सही है तो आज के दौर में जैसे वॉट के जो करंट हमारे अगेंस्ट जा रहा है और अगर हमें सही इन प्रिंसिपल्स के बिना पर चलना है we have to operate against the tide, against the tide by our actions, by our faith, by our submission. दुनिया को छोड़ना नहीं मगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, आज की दुनिया में ही रहते हैं और वहां पर सोचना कैसे है, यहां तक बात समझ। ठीक, अब आखिरी हिस्से की तरफ आ रहा हूं जहां पे दो तीन अल्फाज और हैं, अपनी बात छह साल हो चुके हैं, दो तीन अल्फाज और, ये समझ आ गई आज की दुनिया क्या है, ये समझ आ गई प्रिंसिपल्स क्या है। अब अगर प्रिंसिपल्स वो हैं आज की दुनिया ये है तो ये सवाल मुनासिब है, हम क्या कर सकते हैं? एक जवाब ये है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तो दुनिया जो है वो है और वो दुनिया का रेला इस तरह आ रहा है कि हम तो कुछ खास कर नहीं सकते, मगर ये भी पढ़ा है मायूस ही बोला है वृक्षों की शरीफा होते हैं जिसके लगाए जाते हैं लोगों पढ़े हैं ना इस तरह से ना? तो फिर हम क्या इंसान अल्लाह ताला ने अपने इमेज में बनाया है, अशुकुल मखलूकात हुए कि वो अल्लाह ताला की जात, वो जो प्रिज्म की बात कर रहा था उसका एक छोटा सा जर्रा, तो अगर इमेजिन कि उस छोटे से जर्रे में वो तमाम क्वालिटीज हो जो कि उसमें भी मौजूद है, टाइम 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 लिटिल स्पेक मगर उस पैक के अंदर वो तमाम चीज मौजूद है जो वहां पे, इट्स लाइक सूरज और सूरज की किरण अगर आपको यहाँ नजर आए तो सूरज की किरण के अंदर वो तमाम जो ताकत है सूरज की उसका छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है मगर उस तमाम ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन है, या समंदर के आप पानी जो है चार बूंद पानी के निकाल के तो पानी जो समंदर का है उसमें वो तमाम क्वालिटीज मौजूद है थोड़ी सी है। ठीक, तो हम आपके अंदर को तमाम क्वालिटीज मौजूद है बिकॉज़ वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, अल्लाह ने हमें अपने इमेज में, एंड देयरफॉर जहां एक तरफ अल्लाह ताला की जात से फासला बहुत है एंड देयरफॉर यू आर इन ऑफ गॉड, कहते ना अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से डरो से ज्यादा अल्लाह ताला से कॉन्शियस रहो, नॉट गॉड फियरिंग बट गॉड कॉन्शियस, ये वो फासला बहुत है बट क्योंकि वो जर्रे के अंदर सब मौजूद है तो यू आर लाइक अ वाइस एजेंट। वाइस एजेंट क्या होता है? वाइस कैप्टन क्या होता है? वाइस कैप्टन तो पता है ना मैं क्या हूं, क्या करता हूं, कैप्टन जो है जब कैप्टन का हैमस्ट्रिंग बोल पड़ता है तो जाके पवेलियन में बैठ जाता है तो वाइस कैप्टन उसको लीड करता है। ठीक है, वाइस रीजेंट उस तरह की चीज मगर उससे थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह कि जे इस तरह पहले दौर में होता था ना कि गया बादशाह उसने फतुहात और पता करने के बाद इनके इलाके में वापस नहीं बैठ जाता वहां भी चला जाता तो वहां वो अपना एक गवर्नर या वाइस रीजेंट रखते हैं कि भाई तुम इस इलाके को संभालो,
अल्टीमेट अथॉरिटी तुम नहीं हो, अल्टीमेट वही है जो भी बात है, उनका तुम्हें जिम्मेदारी है कि तुम उसे लागू संभाल। तो हम आप दुनिया में बाईस दीजिए, हमें आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है कि अशुक्र मत करो, तुम्हारे अंदर तमाम क्वालिटीज दी, अब जाओ संभालो, और जैसे संभालोगे उसका हिसाब किताब ऊपर रखो, जब वापस आओगे तब पूछो क्या किया और उसके बिना में जन्नत जन्नत हो। सारी सी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल जी, सारी सी इक्वेशन तो ये आपको बनाया है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए और उसके बिना में जज किया जाए, और जिम्मेदारी को पूरा कैसे कीजिए, प्रिंसिपल दीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो ये अगर अप्लाई करना है एंड दिस इज द लास्ट लाइन, दिस इज द लास्ट लाइन, सो अप्लाई करना है तो हमारे आपके पास उस सलाहियत क्या है जिसकी बिना आप अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज, क्वेश्चन तीन क्वालिटीज हमारे पास जिसकी बिना आप, बहुत सी क्वालिटीज है मगर तीन बुनियादी क्वालिटीज जो कि चाहिए अप्लाई करना। पहली इंटेलिजेंस डिसर्नमेंट, ये सुना है कि जी अल्लाह ने आपको दिल से ज्यादा हो दिमाग की ज्यादा ना सुना, सही नहीं कहते, बिकॉज हमारे मजहब में बात बार बार आती है कि जो पक्का ईमान है दैट इज विद ऑल थाई हार्ट, ऑल योर हार्ट एंड विद ऑल योर माइंड, अल्लाह ने अगर दिमाग दिया तो ये नहीं कहे कि भाई दिमाग को साइड पर रखो, मगर साथ साथ ये भी समझाया है कि दिस इज नॉट द अल्टीमेट फैक्टर, जो चीज समझ में नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है, इंटेलिजेंस जो होती है वो दिल से उभर कर आती है, ईमान दिल में आता है दिमाग में नहीं आता। सो क्लैरिटी नंबर वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी हियर, फैकल्टी नंबर टू इज दिस, बट दोनों को साथ लेके चलो, ये करने के लिए ये नहीं कहा इसको साइड पे रखो, एंड देयरफॉर इट इज विद आवर इंटेलिजेंस हार्ट एंड माइंड कि आपको कहा है अप्लाई करो, सवाल पूछो, समझो कि क्या सही है क्या गलत है, डिसर्न का मतलब पता है, डिसर्न माने अच्छे और बुरे में तमीज करना, सही है करेक्ट, लड़के निहंगम होते हैं, रिलेटिविटीज होते हैं, सो वेयर इज दैट एबिलिटी टू डिसर्न, टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज बेहतर है कौन सी नहीं, और वो जिंदगी भर हमें काम करते रहना होगा, ये सही है ये नहीं, ये जुमला आपने सुना है, लोग कहते हैं यार वो आदमी अच्छा नहीं है बड़ा जजमेंटल है, सुना है सुना, कहा भी होने कहा या आपसे बहुत कहा जाता है कि सही नहीं बड़ा जजमेंटल, जजमेंटल उस सेंस में होगा कि जी मैं आपके बारे में जजमेंट ये बना दूं कि यार इसके बाल स्पाइकी है तो ये आदमी कुछ सही पढ़ने वाला नहीं होगा, दैट विल बी जजमेंटल ऑफ मी बिकॉज मैं आपके स्पाइस के बिना पे कह रहा हूँ कि यार ये आदमी सही नहीं होगा, टू ऑल एक्सटेंट एवरीबॉडी इज जजमेंटल बिकॉज अशोक मुखर्जी बनाए इसीलिए गए आपको जज करने के लिए अच्छा है या बुरा है, आपसे जो सवाल उस चीज का तो बनाए इसीलिए गए, तो ऑल ऑफ अस आर जजमेंटल, वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर जजमेंटल बिकॉज हमें जानवर जजमेंटल नहीं होते, उनको वो कैपेसिटी नहीं दी जज करेंगे, हमें आपको बनाए इसलिए गए बिकॉज हमें जज करने की कैपेसिटी दी, अगर जहाँ हमें पकड़ होना चाहिए वहाँ हमारे ऊपर एहसास जिम्मेदारी दी है कि मैं आपको स्पाइस के बिना जज ना करूँ, आपको जानूँ, आपको परखूँ और फिर So that intelligence and discernment, that ability to judge is the first thing we have. Will, freedom and strength. आपने एक बार जज कर लिया कि यार ये बेहतर रास्ता है, तो फिर इरादा, आपको चॉइस दी गई है एक बार चूज करो ये करो या ये करो, तो वो आजादी जिसकी बिना पे आप चूज करो कि जी मैं कॉमिक्स में बीबीए करूंगा, that's a choice you made. Some of you might decide, दो साल बाद मुझे BBA नहीं करना, बिल गेट्स के कॉलेज में पढ़ने के बाद साल बाद कहते हैं मुझे नहीं पढ़ना, जो भी चीज जॉब का इंतजार हुआ वो क्या कहते थे कि भाई मैंने 6-8 महीने पढ़ा उसके बाद मैंने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं जाकर मुख्तलिफ कोर्सेज दूंगा, राइट, और उसने कैलीग्राफी पढ़ी और इसलिए एप्पल के फॉन्ट्स इतने अच्छे हैं बिकॉज वो समझ कर आए, सो ये कहना कि फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं गलत बात है बिकॉज फ्रीडम ऑफ चॉइस तो है, चॉइस तो हर दिन कुछ ना कुछ फ्रीडम भी है और फिर वो विल भी है, ये मैंने फैसला कर लिया, और वो सारे लोग डिग्रियां ले रहे हैं और डिग्रियां लेने के बाद सब ग्रेजुएट करके दुर्भाग्य कॉलम की नौकरी सबको मिल जाएगी, मैं कहता हूँ मैं डिग्री नहीं लूंगा, हो सकता है बहुत कमाल हो सकता है सड़क पर बैठा हूँ गूगल से, बट मेरी विल है कि मैं काम करूँ, वो फ्रीडम भी है और विल भी, सही, एंड देन द लास्ट बिट व्हिच इज सोल ऑफ कैरेक्टर लव एंड वर्चू,
जब वो तमाम अल्लाह ताला की सलाहियतें आपके अंदर हैं, वो तमाम कैपेबिलिटीज हैं, तो आप कहीं से रहमान भी हैं, कहीं से रहीम भी हैं, कहीं से कुदूस भी हैं, सब कुछ है। क्यों होता है कि जब वो बच्चा बाइबल पढ़ स्टार्ट करने आता है तो कहीं कहीं हमारा आपका दिल पिघलता है, कहते हैं यार सब बच्चे को मैं 10 मिनट में ले जाकर के रोटी लेना देता हूँ। कितनी दफ़ा हो गया आप लड़के रोटी लेने गए हो घर से और कोई अगर गरीब आदमी नजर आए तो जी घर के लिए 6 लेंगे उसको भी मैं 2 ले जाता हूँ, करा क्यों क्यों करते हैं? बस देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ अस व्हिच इज गॉड लाइक, जो कि वही नेकियां करना चाहते हैं जो हमारी फितरत में मौजूद है। सो ये तीन कैपेबिलिटीज है हमारे पास, सही मदद की पहचान, फ्रीडम टू चूज एंड विल के हाँ ये मैं करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा, एंड देन अंडरपिनिंग ऑल दैट इज विद वर्चू, अच्छाई के साथ करूँगा। वो अच्छाई तो मुझे बाहर से भी मेरा सजा देगी क्योंकि वो तो मेरी जात में मेरी फितरत का सबसे फंडामेंटल चीज़ ही वही है, उस बनाया ही उस तरह से गया तो मैं उसको एक्सेंचुएट करता हूँ, नफ्स को मालूम शैतान को साइकिल वगैरह को कोशिश करता हूँ कि मैं बेहतर काम कर सही। That's it. Now very last slide. This is the summary. हमने क्या सीखा है आज? किस बारे में बात? पहले बात की हमने development. Development ये आपका याद रहेगा, ये table है principle, ये blind है application. Development is holding on to principles, applying them. वो principles क्या होते हैं? Principles उसूल होते हैं जिसके बिना पे कहानी बनते हैं, और वो principles God created हैं। वो कौन से हैं? Number one, Islam submission, 5 अरकान, ईमान, बुक्स, मैसेंजर्स, एंजल्स, अल्लाह ताला की ज़ात एंड द लास्ट डे। हाँ जी, एहसान, गॉड कॉन्शियसनेस, ब्यूटीफुल एक्शंस, सुनत एक्शन, और जो भी काम करें इस तरह के आप अल्लाह ताला को दे रहे हैं क्योंकि वो तो आपको देख रहे हैं, दैट कॉन्शियसनेस एट एवरी मोमेंट। आज की दुनिया क्या है? आज की दुनिया पहाड़ सहरा, बीच पहाड़ से सहरा की तरफ हूँ, गोइंग डाउन विद द कारण फास्ट एंड बिकॉज यू गोइंग फास्ट यू से प्रोग्रेस। इसमें अगर हमें सही पलटना है तो कारण बहुत तेज है, कारण के अगेंस्ट एफर्ट बहुत करनी पड़ेगी। क्यों वो एफर्ट हम कर सकते हैं? क्योंकि वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड हमारे ऊपर जिम्मा है वाइस रीजेंसी, हमें यहाँ भेजा गया है ताकि हम जो जो हमारे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है अपने दायरे में जो कुछ आता है हम उसके ऊपर बेहतरी के साथ काम कर सकें, क्योंकि जवाब नहीं उसी की, और क्योंकि उसी काम करने से हमारी खुशी भी वहीं पर होगी क्योंकि जो चीज़ आपकी फितरत के साथ जाके जुड़ेगी वही आपको हैरान होगी, वही आपको खुश करेगी। और उसके लिए आपको क्या सलाहियत दी गई है? आपको इंटेलिजेंस, सही और गलत जज करना, विल वो इरादा आज़ादी के साथ कि आप उसको फॉलो कर सकें, उसको अपने लिए फॉलो योर हार्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं फॉलो योर हार्ट, व्हाई डू यू फॉलो योर माइंड, बिकॉज इसका फ्रॉम द हार्ट भी सही है कि मुझे यूं करना है, एंड वर्चू जो सलाहियत आपके अंदर जो अनासर आपके अंदर एटीट्यूड्स पहले से मौजूद है उनको जानना। अब इस तरह की बात में कई दफ़ा वो मायूसी वाली बात आती है कि यार ये तो दुनिया का आधे का आधा बिगड़ा हुआ है, आप देखें तो सियासतदानों ने एक तबाही की भी है, आप मजहब के नाम से देखें लोग जो जो बातें करते हैं सुसाइड बॉम्ब से लेकर फिरकावादियत तक वो एक पूरे मसले चल रहे हैं, करप्शन इतनी है, लोग किसी का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, अमरीका की कॉन्स्पिरेसी ने बिकॉज तो दुनिया का निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है, बहुत कुछ है ना ठीक। तो अब अगर हम कहें कि हमारे मसाइल की वजूहत क्या हैं तो वजूहत की इतनी लंबी लिस्ट है कि 8 घंटे की प्रेजेंटेशन भी पूरा नहीं है ना। जब इस तरह की बात होती है तो आदमी की समझ आती है कि यार इतने सारे मसाइल और मैं इतना सा क्यों, ये इतना बड़ा है सिलसिला तो मैं कहाँ क्या करूँगा, तो मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या होगा सवाल आता है। इसका जवाब एक साहब ने दिया, ये उनकी एक गाइडिंग के नाम से एक राइटर, उनकी एक किताब है निमुक्त कासम, उसका लास्ट पैराग्राफ कोई बाबा जी मत पढ़े आप। It is from a man's choice between sleeping and waking, or between drifting with the tide and making his way upstream, that the pattern of his destiny is built up.
Here we stand as creatures, made for choosing, and we do not know until the veils are lifted how much depended upon our choice. Thank you. It is from a man's choice between sleeping and waking. आप कह रहे हैं आप सोते सोते उसके साथ बैठे चले जाए या आप जागेंगे कि ये इसके कुछ टाइम मुझे लेकर बनाना है बिटवीन ड्रिफ्टिंग इन द टाइड वो टाइम लेके जा रहे हैं सभी लोग उस पेड़ चाल में आप भी चलते चले जाए एंड मेकिंग योर वे अपस्ट्रीम नहीं आई विल टर्न माय फेस टुवर्ड्स द माउंटेन एंड से दिस इज वेयर आई वांट टू गो एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द करंट दैट द पैटर्न ऑफ हिज डेस्टिनी इज बिल्ट अप डेस्टिनी माने तब्दील उस चॉइस से जी मैंने जागना है या सोना है टाइम के साथ जाना है या पलट के बेहतरी की तरफ जाना है इससे मेरी तब्दील बनी Here we stand as creatures made for choosing. अब आप इंसान दुनिया में मौजूद हैं as creatures made for choosing because हमें चूज करने की सलाहियत दी गई है And we do not know until the veils are lifted. पर्दा जब तक नहीं उठता पर्दा कब उठेगा वो सिर्फ मैं आप हो सकता है हमारे आपके मर जाने के 300 साल बाद उठे In the short term, you do not know until the days are lifted how much depended on our choice. जो आज आप choice कर रहे हैं जिंदगी में, उसका कितना ताल्लुक उस choice से है जो आपके पद पर दादा ने आज से 250 साल पहले किया? There is a very distinct connection. जो choices आज आप करेंगे, उसका कितना ताल्लुक है 150 साल बाद आपके पद पर पोते या नवासों की choice से? है. You don't know what happened. The veils of future will be lifted when वो 150 साल गुजर चुके होंगे तब समझ आएगा कि अच्छा वो जो यहाँ से हुआ फिर अगली कुछ में ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ और इसलिए ये शख्स ऐसा हुआ क्योंकि वो एक लीनियन से होकर आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा नहीं जानते मगर इम्पैक्ट होगा एंड ओनली देन वंस द वेल्स आर लिफ्टेड ऑफ द फ्यूचर यू वुड अंडरस्टैंड हाउ मच डिपेंडेड ऑन आवर चॉइस तब अंदाजा होगा आपकी जो आज की चॉइस है उसके ऊपर कितना कुछ That's all I have to say. At the end of these things, what typically says this because it's important to say, Wallah, Allah may have expressed. Ho sakta hai, kuch kaha, uspe kuch sahi ho, ho sakta hai, kuch right now, you try to be truthful and honest, but Allah may have expressed. Thank you, for watching. We have 10 more minutes, if there are any questions, anything you want to ask. And there are no questions which are off limits. Don't shut that. I was just telling you how to implement the principles. Because there comes a very beautiful value of life. But what we have mostly seen in the people that we just read that, we get acquainted with that. Very difficult to implement with them, make them part of our life. Well, how to make these beautiful principles of the Quran, Allah, all the knowledgeable, learned people part of life? How can we make it? तो भाई सवाल बिल्कुल सही पूछने के इस सवाल में बहुत अच्छी है ऐसी जगह और बहुत से लोग ये बात करते हैं मगर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जिंदगी में कैसे करें कोई इलाज बताएंगे ये एक्चुअली अप्लाई कैसे आप इसकी जो बात मूवमेंट अगेंस्ट द वाटर फ्लोइंग यदि इफ यू आर रियली विलिंग टू डू समथिंग यू मे यू से बिल्कुल This is my answer. Very simple, very strict. In every action, Allah mein dekh raha hai aur main Allah Taala ko dekh raha hu. Koi aur banda nahi. Koi nahi. Main Allah Taala ki zaat ke samne khada hu. And the fact that I'm currently presenting, wo dekh raha hai. Aur main usko dekh raha hu. Agar Allah Taala ki zaat maujood hai, to main apne alfaz ki choice pe kya karunga? मैं ऐसी कौन सी बात है जो कि मजा नहीं होगा पकड़पन हो जाएगा जो कि नाम मुनासिब बात कहने के कौन सी ऐसी बात है जो कि कहना चाहिए मैं यहाँ से निकल के अगर मैंने किसी को घर किराए पर दिया हुआ है और उसने किराया नहीं दिया और मैं चाह रहा हूँ कि जाकर उसको जो घर सफाई करवाऊँ तो उस वक्त हालात देख के मैं क्या करूँ मैं सॉफ्ट होने के बाद में नहीं कह रहा कि नहीं जी मैं उसकी दूसरी बात सुन के वापस आ जाऊँ जिंदगी में चॉइसिस करनी है भाई आपने खाली कराना है तो कराना है बिकॉज हो सकता है वो किसी का उसके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट है अगर कोई आदमी आने जा रहे हैं मैंने कहा 8,000 लोग हैं अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा
तो आपको पीसीएफ को डोनेशन दें इसके बना के स्कूल चल, अगर वो अपना काम नहीं कर तो आपको ऐसे जाया हो गए बोले मेरा फर्ज है तो नौकरी से निकाल, पहले समझाना फिर नहीं मानता तो नौकरी से निकाल, उसको नौकरी से निकालना विल दैट बी कंसीडर्ड ब्यूटीफुल एक्शन, आई विल ओनली टेक इट इफ आई बिलीव यस इट विल बी अ ब्यूटीफुल एक्शन बिकॉज अल्लाह ताला के साथ में बाहर भी है, इट्स नॉट सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा अच्छा जी पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव काम करो आस पास खुद ही पूरी मिल जाएंगे और दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, तो फिर एक खाली सी बात है, दुनिया के मसाइल हैं बिल्कुल हैं और मसाइल के बीच में जाके उनको हल करना है, मगर उनको हल करने के लिए वॉट इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज इन दैट केस कि यहाँ पे किरदार इस इदारे का एक अमीन के तौर पर वो अमानत देते हैं कि इन पैसों से बच्चों को पढ़ाए, अगर ये आदमी इस पढ़ाने के काम में अपना काम नहीं कर रहा पूरे दारदारी से तो इन पैसों का ज़्यादा होगा, इसको नौकरी से निकालने की वजह से इसके और इसके खानदान में इसके बच्चों के लिए मुश्किल आएगी बिकॉज आमदनी कम हो जाएगी, तो क्या मैं इसको नौकरी से निकाल के इसकी आमदनी में अलग डालू या मैं इसको अलाव करूँ कि भाई वो पैसों को ज़ाया करते हैं, इज दैट एन ईजी चॉइस, नो लाइफ विल नॉट हैव ईजी चॉइसेस, क्या मैं अपना मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ किताबें वो किताबें जो मैं गरीबों में बांट सकूँ क्योंकि मुझे बाहर मुल्क में एक आर्ट की बहुत अच्छी किताब मिली है जो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है, मगर वो इंपोर्ट करके लेकर आ रहा हूँ तो जो कस्टम वाले हैं वो 10,000 रुपये रिश्वत मांगते हैं और मैं कानूनी तौर पर सब काम कर चुका हूँ मगर नहीं मांगते तो कोई तरीका नहीं, वो कहते हैं जी हम उसको सीज कर रखें क्या एवरी डे एग्जैक्टली टफ चॉइस, अगर कोई इसका इलाज होना कि जी ये कुड़िया नंबर 25 सुबह उठे शाम दिन दफा लीजिए सही हो जाएगा तो जिंदगी आसान होती है, एवरी डे एवरी मोमेंट दीज आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ टफ चॉइसेस वी फेस एंड दैट इज वेयर यू रिक्वायर प्रिंसिपल्स, कि वो प्रिंसिपल्स क्या हैं यू कांस्टेंटली थिंक एंड दैट्स वेयर यू रिक्वायर इंटेलिजेंस एप्लीकेशन 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 यू डू दैट एवरी मिनट ऑफ एवरी डे थ्रू आउट योर लाइफ एंड देन के आखिर में आप अल्लाह में दुआ करते हैं अल्लाह में आई एम श्योर अगर चार चीजें सही होंगे तो 6 गलत हैं क्योंकि माफ कर दीजिएगा फिर से शुरू करें फिर आप माफी मांग के सो जाए या गड़बड़ हो गई होगी माफ कर दीजिएगा फिर कोशिश करें ट्राई टू बी देखिएगा ऑन एडिशनल क्वेश्चन वाज द सेम हाउ डिड द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कन्विंस द पीपल परसुएड द पीपल ऑफ हिज टाइम टू गिव अप देयर रॉन्ग प्रिंसिपल्स Is there any example from which we can learn? And lots of examples. Lots of examples, but for the sake of time, I'll give you one very short answer to that, which is through his character. जब लोग ईमान लेने, ईमान लोगों ने शुरू के लोगों ने दिया, ईमान लाए उनके ऊपर, सबसे पहले लोगों ने क्या कहा? जी, we know this man, we will shoot him. उनको पैगंबर बनने से पहले अमीन का खिताब दिया गया, तो वो सादिक और अमीन के नाम से पहले से जाने लगे. And if you look throughout his life, alhamdulillah, I think the most important variable that I see are his actions. He spoke it through his actions, through his character. And he has then augmented that with words. So he has said that you can do it. And you can do it in your life. So how did he persuade him? Through his actions. I think that is perhaps the greatest compelling force finding that you have to do it in your life. बाहर जाए और बाहर जाके आप मेरे एक्शन में कुछ और चीज देखेंगे जो कि देखेंगे बिकॉज द प्रॉफिट इज द एपिटोम ऑफ परफेक्शन, हम आप किसी खेल की उंगली है नहीं खास, ठीक सो हमसे आपसे गलतियां होंगी, सो ये भी हम ये कर सकते हैं कि यार ये आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है खुद तो देखो ये कैसे करता है, मौलाना साहब हमें तकलीफ में इतना कुछ कहते हैं खुद अपने घर की बिजली चुरा रहे हैं, ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि यार क्योंकि ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने वाला शख्स गलत है उसने प्रिंसिपल्स गलत हो गए, इट्स लाइक द पर्सन इट्स लाइक द प्रैक्टिशन ऑफ प्रिंसिपल्स बट नॉट द प्रिंसिपल्स, अगर मैं प्रिंसिपल्स को गलत अप्लाई करूं उसका मतलब वो गलत है मैं गलत, कोई और सवाल कोई ना बता रहे हैं क्या सर मैं आईबीएम में आज से आपसे लॉजिक भी पढ़ी फिलोसफी साइंस में थोड़ा सा कोई और थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मौजूद में मेरा बात करना मुनासिब ठीक है और टीचर से
थैंक यू और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह है उसको किसी और माफ बात होती है। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज लेट्स गो फॉर द कॉफी।